हेलो फ्रेंड, मेरे चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ लौकी का रायता, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा, क्योंकि रायते तो आप लोगों ने बहुत खाए होंगे। बूंदी का रायता, आलू का रायता, केले का रायता, बहुत तरह के रायते बनते हैं, लेकिन आज मैं बनाने वाली हूँ लौकी से रायता, जो कि खाने में इतना टेस्टी लगता है लौकी का रायता। इसके लौकी के रायते के आगे सारे रायते फेल है। चलिए देख लेते हैं। लौकी आप रायता बनाने के लिए जब भी लें, अगर हमारा नाखून इसके अंदर आराम से जा रहा है, तो इसका मतलब लौकी हमारी पूरी रायता बनाने के लिए सही है और कच्ची है। अंदर से हम इस लौकी को छील लेंगे, आगे के तिल को निकाल देंगे, पीछे से थोड़ा सा निकालेंगे और इसे लौकी को हम इस तरह से छील लेंगे। एक पीलर की सहायता से छील लें, या जो भी आपके पास चाकू हो आप उसकी सहायता से भी छील सकते हैं। जिस तरह से भी आपको सुविधा लगे आप उससे लौकी को छील सकते हैं। लौकी को हम उतना छीलेंगे जिससे इसमें हरा पार्ट बिल्कुल ना रह जाए। बिल्कुल हम छिलकों को निकाल देंगे, इससे इसका टेस्ट रायते का जो है अच्छा नहीं आता है। इस तरह से लौकी छील लेंगे, बिल्कुल एक भी हमें हरा पार्ट इसमें नहीं रहना चाहिए। चलिए हम लौकी को छील लेते हैं। उसके बाद हम लौकी को छीलने के बाद कद्दूकस से इसे कस लेंगे। देखिए लौकी हमारी अच्छी तरह से छिल चुकी है। चलिए एक बार इसे हम पानी से धो लेते हैं। तो अच्छी तरह से पानी से धो लिया है, अब एक कद्दूकस ले लेंगे। कद्दूकस में हम छोटी की साइड से हम इसे लौकी को कद्दूकस कर लेंगे। और इसे हमें बड़े बड़े लच्छे नहीं चाहिए। अगर आप लोगों को बड़े लच्छे अच्छे लगते हैं तो आप बड़ी साइड से भी इधर से भी कद्दूकस कर सकते हैं। मैं इधर पतली साइड से कर रही हूँ। चलिए इसे हम कद्दूकस कर लेते हैं। इस तरह से सारी लौकी को हम घिस लेंगे। इसे थोड़ा सा भाप में पकाएंगे, स्टीम देंगे इसे, ताकि इसका जो हमारा लौकी का है थोड़ा कच्चापन निकल जाए। चलिए इसे हम अच्छी तरह से साफ कर लेते हैं, रखेंगे एक साइड में। गैस को ऑन करेंगे, कढ़ाई रख देंगे। कढ़ाई में हमने इस तरह से पानी डाल दिया है, थोड़ा सा पानी लिया है। एक जाली रख देंगे इस तरह से भी। आपके पास मेरी कढ़ाई में यही फिट आती है तो मैं यही जाली रखूंगी। देखिए चारों तरफ हम अच्छी तरह से फैला देंगे। इस तरह से आप लोग रायता बनाएंगे तो आपका रायता भी बहुत ज़्यादा टेस्टी और अच्छा बनेगा। 5 मिनट के लिए इसे हम कवर कर देते हैं। देखिए 5 मिनट हो गए, एक बार चेक कर लेते हैं। लौकी हमारी पक चुकी है, देखिए कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। इसका मतलब लौकी हमारी अच्छी तरह से पक चुकी है। चलिए हम थोड़ा सा उठा के पोर्शन देखेंगे और अच्छी तरह से देखेंगे दबा के। हाँ, लौकी हमारी अच्छी तरह से पक चुकी है। इस तरह से आप दबा के देख लें, अच्छी तरह से लौकी पक गई। गैस को कर देंगे बंद, अब इसे हम रखेंगे ठंडा होने के लिए। देखिए जब तक लौकी ठंडी हो रही है, जब तक हम इसको दही तैयार कर लेते हैं। एक कटोरी दही ले लेंगे, इसको हम इस मिक्सिंग बाउल में डाल देंगे। इसे हम इतना स्मूथ सा बना लेंगे फेंट के, जिससे ये दही हमारा बिल्कुल स्मूथ सा हो जाए। इस तरह से फेंटेंगे। अगर आपके पास चम्मच है तो आप चम्मच से फेंट लें, बिस्कर है तो आप बिस्कर से भी इसे स्मूथ सा कर सकते हैं। अब हम इसमें थोड़े थोड़े से मसाले ऐड करेंगे, बहुत थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। अगर आपको दही गाढ़ी लग रही है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी या दूध डाल सकते हैं। थोड़े से डालेंगे हम चिली फ्लेक्स, काली मिर्च का पाउडर बहुत थोड़ा सा लेंगे, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लें। जिस तरह से भी आपको नमक पसंद है आप उस तरह से ले सकते हैं। थोड़ा डालेंगे जीरा पाउडर। जीरा पाउडर के बिना तो रायता हमारा बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, इससे हमारे रायते का टेस्ट अच्छा आता है। चलिए जीरा पाउडर मैंने फुल टीस्पून डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी कस्तूरी मेथी। मेथी को लेंगे इस तरह से क्रश करके डालेंगे। अब हम इन सबको मिक्स कर देते हैं। देखिए लौकी बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। अब हम इसे
देखिए सारी लौकी को मैं रायते में अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। इसके बाद हम इसमें डालेंगे तड़का। तड़का डालने से जो है हमारा रायते का टेस्ट और भी बढ़ रहता है। चलिए अब हम इसे पहले मिक्स कर लेते हैं, फिर करते हैं तड़के की तैयारी। देखिए गैस को ऑन करके तड़का पैन रखेंगे। तड़का पैन में हम डालेंगे सरसों का तेल। आप सरसों की तेल से में ही तड़का लगाएं, इससे ही बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। एक चम्मच के करीब हम इसमें सरसों का तेल ऐड करेंगे। एक चम्मच ही मैंने इसमें ऐड करा है। चलिए इसे हम पहले अच्छी तरह से गर्म होने देते हैं। देखिए तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, तेल से अच्छी तरह से धुआं भी निकलने लग गया है। अब हम इसमें सबसे पहले इसमें जाएगी हींग। एक चुटकी मैंने हींग ली है, इसको डालेंगे और साथ में हम फटाफट से जीरा डाल देंगे। गैस को करेंगे बंद और थोड़ा ठंडा होने के बाद हम इसमें इसमें तड़का डालेंगे। थोड़ा सा हिलाएंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। देखिए ठंडा हो चुका है। चलिए अब हम इसमें तड़का डाल देते हैं। इसे हम थोड़ी देर हिलाएंगे नहीं, ढक देते हैं। चलिए खोल के इसे मिक्स करेंगे। कैसी लगी आप लोगों को हमारी रायते की रेसिपी? अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके हमें जरूर जरूर बताया कीजिए कि हमारी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगती है। चलिए मिलते हैं अगली नई रेसिपी के साथ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।